सीन दरअसल ऐसा है कि जुकाम प्लस गला खराब हो रहा, वो भयंकर लेवल अप। तो मैं बताता हूँ कि कुछ दिनों से वीडियो कुछ दिनों से तो खैर क्या, लगभग 3 महीने हो गए रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ सारा ए टू जेड। मेरे को जगह मिलने दो पहले तो बैठने लायक, उधर तो इधर घुसता हूँ मामूड़ी के नीचे। अरे भाई साहब फाइनली बैठे हुए जगह मिल गई शांति प्रिय। दुकान के ऊपर इसलिए आता था कि वीडियो भी अपलोड कर सकूँ और आपको फसल तौर पर बात भी कर सकूँ, क्योंकि इधर उधर ऐसी वीडियो बना नहीं सकता। तो चलो अब बताता हूँ मैं कि रीज़न क्या है रेगुलर वीडियो ना आने का। प्रॉब्लम ऐसी है दोस्तों कि यार आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं फोटोग्राफी का, इसके अलावा यूट्यूब इंस्टा हमारा छोटा मोटा ही धंधा है। अब आपको पता है यूट्यूब पर कभी इतनी इनकम नहीं होती कि फैमिली चल सके, आप आदमी का सिंगल आदमी खर्चा निकल सके। रियलिटी है बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर आने के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं पहले ही आगाह कर दूँ कि ऐसा सच में कुछ भी नहीं है, यूट्यूब से कोई भी इनकम नहीं है। अब आपको पता है कि यार जब यूट्यूब से इनकम नहीं होगी, और वेडिंग्स का सीन ऐसा है कि यार हम लोग वेडिंग्स करते हैं, अच्छी अच्छी वेडिंग्स करते हैं, लोगों का क्या रहता है कि वेडिंग्स की जैसे बात करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं कि यार चलो 1,00,000 रुपये खर्चा कर देंगे, 1.5 लाख खर्चा कर देंगे, कोई 50,000, सबकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, कसम से कह रहा हूँ, मतलब 90% लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पैसा कभी पूरा देते नहीं रहे यार। पूरा देने की तो बहुत दूर की बात है, मान लो जिन लोग से जैसे पहले काम कर दिया, काम करने के बाद जब उनसे पैसे मांगने की बात आती है ना तो 10 तरह की बातें करते हैं, फिर मतलब दिखाते हैं यार फलां तारीख को ले लेना, मैं ड्यूटी से आऊँगा तब ले लेना, ये कर लेना वो कर लेना। सच में कह रहा हूँ यार लोगों को लगता है कि फोटोग्राफर सिर्फ मतलब ऐसे ही है कि यार ये बेचारों का क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कोई खर्चा पानी संभालते नहीं है तरीके के मान लो। तो सच बता रहा हूँ मतलब कि ये भयंकर वाली कंडीशन हो गई कि मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मतलब मान लो। तो एट लास्ट ही आपको पता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरे हैं, 10 तरह की चीज़ें हमने बसाई ही। अब वो सारी की सारी ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा घर बहुत तगड़े पैसे वाला है, मैं बहुत तगड़े पैसे वाला हूँ ना, तो ये चीज़ थी सारी की सारी किस्तों पर थी। अब आपको पता है जब इनकम यूट्यूब से नहीं हो रही, लोग पैसे दे नहीं रहे, तो तब जाके मैं जयपुर पहुँचा और जयपुर में बस कुछ काम स्टार्ट किया। अब वो काम स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसे हुआ कि यार देखो घर परिवार इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर पीछे से 10 कलेश ऐसा दिखता है ना आपको यूट्यूब में, फैमिली हंसती घुसती, रे यार ये सब बकवास है। सच बता रहा हूँ परिवार की स्थिति जो ही लोग समझ पाते हैं जो परिवार में रहते हो, 10 तरह की बातें, 10 तरह की लड़ाइयाँ, तो ये है कि परमानेंट टिकना तक जयपुर में नहीं है। और फाइनली 3 महीने के बाद मतलब ये कि डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा, कभी घर कभी जयपुर, कभी घर कभी जयपुर। तो कुल मिला के ये कि स्थिति इस टाइम ये है कि ये मान लो आज तारीख हो गई 25, तो किस्त जानी होती है 25 तारीख से 1 तारीख के बीच। सच बता रहा हूँ मतलब कल रात में मैंने लिस्ट बना के 100 से ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन किया, कहा कि यार पैसे चाहिए यार देखो फोटोग्राफी के, वो जो भी थे जो भी है। सच बता रहा हूँ यार एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि भैया मैं कल पैसे दे दूँगा या आज पैसे दे रहा हूँ या अभी पैसे दे रहा हूँ। सच बता रहा हूँ यार लोगों में शर्म नाम की चीज़ बची नहीं है, मैं क्या बताऊँ हार कर, मतलब ये कुछ शब्द है, ये कुछ बातें हैं जो नॉर्मल चीज़ ऐसे नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती। मेरे को लगा यार पूरा फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को पता चलना चाहिए, आप लोग फैमिली हो, सारी चीज़ आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो ये वाले रीज़न है कि यार आप रेगुलर वीडियो बनाएं तो बनाएं कैसे, कल इस 10 तरह की बातें वो खोपड़ी ख़राब। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे, और ये कुछ सिचुएशन है, अब पता नहीं क्या होगा यार, भगवान जाने आगे। तो आज का दिन तो व्लॉग आया है, बाकी कल का कल देखते हैं। तो आज का दिन तो खैर ये सब मैंने आपको परेशान कर दिया सब बात सुना के, तो थोड़ा सा आगे देखो वीडियो हमारी करते स्टार्ट। आज पहुंच चुके भैया मंडी में, मेरे पुराने परम मित्र श्याम भैया के वहाँ पे। और भाई साहब राम राम। ये बैठे सेठ जी, ये बैठे। और सेठ जी क्या हाल है आपके? तो हीरी भैया देवनारायण ट्रेडिंग कंपनी मुंडिया वाले C14 बोले तो 14 भैया देवनारायण ट्रेडिंग कंपनी की ओर से, मुंडिया वाले की ओर से हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? स्प्राइट। थैंक यू सो मच। वाह वाह तो तारीफ। हाँ बहुत ज़्यादा मन में ही है, मज़ा आ रहा। तो आज मंडी सुनी कैसे है, मतलब समझ नहीं आ रहा मामला। अभी स्टार्ट हो गई 10:30 से, या मतलब सबसे पहले आ गई हमारी बेइज्जती है। तो यार टाइम कहा भाप सबसे अच्छा चलो जो मतलब कभी बड़े को नहीं, थोड़े लोगों को देखो मेरे वीडियो का किसान लोग देखते जा रहे थे, ठीक है? तो किसानों को ऐसी एडवाइस दो
कि ईंधनों को क्या बेचा जाए जो सबसे ज्यादा भाव में हो और आने वाले मतलब महीने छह महीने तक उसकी रेट नहीं बढ़ेगी। तो अभी सरसों बेचने में फायदा है, सरसों की बढ़िया चल रही है। मतलब कैसे क्या फायदा है इस टाइम बेचने में? सरसों में फायदा ये है कि काफी दिन से लोग रखे हुए हैं सरसों को और भाव बढ़े नहीं। अभी पहले कितनी थी मतलब? अभी बीच में 4800 के लगभग आ गई थी, अभी 5321 या 5350 तक सरसों बिक रही है 42 कंडीशन। ठीक है, तो आने वाले दो दो चुनाव सर पे हैं तो बढ़ने का चांस बहुत कम है, इसलिए निकाल देने में फायदा है। लाला फिर वो लंबे टाइम तक रखी रहेगी, फिर भाव एंड में हमको जाना 4800 जाना करीब बेचनी पड़ी मतलब बात। तो अगर आप लोगों को भी पूरी इंडोर मंडी में एक मात्र ईमानदार बंदे के पास अपना माल बेचना हो, 10 रुपये मेरे नाम पे एक्स्ट्रा मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए। बिल्कुल, 10 रुपये ऊपर दोस्ती का खुले नहीं है। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ही, प्लस में 100% ईमानदारी पूरे मंडी की मैं एकमात्र गारंटी लेता हूँ। भले 100 लोगों को पूछ लेना, भले आप एक काम करवा सकते हो कि उसी माल को दूसरी जगह तलवा के पहले फिर यहाँ ले आओ, वाले कोई दिक्कत नहीं, लड़ झगड़ के बातचीत गारंटी में ले लूँगा। यहाँ आपका माल ज़्यादा नहीं बैठा तो मैं पक्की चैलेंज दे दूँ इस बात को, मतलब मेरा हाथ में पानी गिलास है, मजाक नहीं, ईमानदारी का 100% पूरी मंडी में सबसे बड़ा, भले बांटे बड़े कांटे पे आप तलवा के ला सकते हैं धर्म कांटे पे, उसके बाद यहाँ तलवा लेना, आपको फर्क नजर आ जाएगा कि ओरिजिनलिटी ईमानदारी क्या चीज़ है। इस चीज़ का मेरा वादा, मतलब क्या ही तारीफ करूँ जा रहा। तो खैर, श्याम भैया मेरे अजीज मित्र रहे बहुत टाइम पहले के, जिन दिनों कोई नहीं था उन दिनों के श्याम भैया, तो हकीकत हकीकत है मैं हमेशा ऐसे लोगों के पास ही बैठता हूँ। तो कुछ भी माल बेचना हो आप इनके नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए देख जाएंगे, भाई मेरे मोंडे के ऊपर से देख लो माथे पे, तो मोबाइल नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हो भाई इनको। इंडोन मंडी, इंडोन किसान मंडी, इंडोन में एक ही तो मंडी शायद ये ना, इंडोन में सी ब्लॉक में 14 नंबर देवनारायण ट्रेडिंग कंपनी। बाकी इनका दुकान के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोबाइल नंबर तो खैर है ही आपके पास, फोन करके आ जाना। बाकी दुकान रही इनकी C14 हीरो जी को, डॉक्टर विनीता को हाउस। तो भैया घर को ले जाओ हम साग सब्जी। तो भैया सब्जी मंडी आए हैं तो मंडी से कुछ ले जाते हैं। पल्लो पल्लो पाल दो, तो फिर सब्जी ले लेते हैं इसी बात पे, वो यहीं रोक ले। ये लौकिया है, बैंगन है और तुरई है और जाने कहा कहा भगवान। ठीक बा, खीरा है, हाँ यार चीकू नहाना तो यही ले जा रहा हूँ, चल रहा ये खीरा फिर डालेंगे। हाँ चला इधर आया आया। तो ऐसा था ही, राधिका की मम्मी बोली तंगी दवाई गांव की लेडी थी हमारे गांव में जिसकी यार डेथ हो गई, तो वहाँ गए सब लोग। और ये यहाँ सो रहा था भाई। ए तो चुन्ना ली आई का लाई है। हाँ भाई साहब कहा आई। तो बच चुके हैं दोपहर को 4:15 और सीन ऐसा है कि वो लोग वहाँ गए, इधर इन हद कर रहा है, तीन बैठवा दे भाई इन्हें हद कर रहा है। आने 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 देख क्या खा रहा भैया, ऐसा देखिए हाँ भाई। ए यार क्या कलेश लगा लो तुम, मैं जा रहा हूँ, मौका नहीं लगा, मोटर की डोरी तुम लगाओ तुम ना आओ। ऐसा होगा कल अंकिता माई मुझ खेरी के बाबूड़ी से मिला ला और आज बाबूड़ी मर गई। देख ले तुम ले जाओ, जाओ पहले सोना रहे देख ले, जाओ पहले सोना रहे देख ले तू, यहाँ से गए बहन को प्यार, बहन ही लगा जरी खास लगे, यहाँ से गए बहन को प्यार, मतलब पहले पता पड़ा वाला देख ले मान ये साहब पर तेरी है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब माटी खा रहा है, माटी खा रहा है, देख उस पहले रोड लेकर पड़ी है, पहले ही नहीं खाऊं, देख देख ले खुआ भाई पापा गए हो। अरे चोरी खा घूम रही है। तो ये भैया रवीना भाई की छोटी रवीना यार खा जा रही पता नहीं। हाँ भैया कहाँ चल दिए? अरे 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 बेटा 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 खड़ी हो,
खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। फेर ले ली, देख देख रवि ना भाई, मतलब रही कलर है भाई 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 भाई, लड़का कह रही थे ये तो मैंने बोलती देखी नहीं कचू, यहाँ ही खा ले माटी खा दे बक्तावर लड़का तो लग रहे दिन इधर की दोबारा आ गई जानू खुद के नहीं हो ना, जानू तो नफरत सी रहे बालक नहीं, मैंने आज तक कोई बालक से नफरत करी बता करी और बता पक्तावर छोरा कैसे तू टेंशन सिंपल रह रहे यार और हो जाएंगे जब तो क्या कहूँ मैं, अभी बात पे तो कुछ खेव नहीं सकती मैं तो वो भी थी पता और अब देख ले, अब देख ले हाँ खा गो मैं भैया आप बक्तावर। तो चीकू जैसे तेने वहाँ की वीडियो देखी है सेवेंजर्स की, बाबा मोटा सा आदमी ऑलराउंडर है, मोची वाला मतलब मोची की दुकान करे लेकिन केला बेचे हर चीज बेचे, जैसे चीकू या काम वो करे और या काम वो करे, चीकू डॉक्टर भी है, चीकू फोटोग्राफर भी है, चीकू चाय वाला भी है, चीकू मल्टी टैलेंटेड आदमी मेरी तरह मान ले भैया, इडी दुकान में चढ़ गई भैया देख ले वो पहले नीम नीम से टीन टीन से दुकान मान गए साहब मान गए, अब अंदर तो अपन है ही कह रहे चाबी ले। तो चीकू बोर्ड एक ही शर्त पे लगा के आए कि हम आइसक्रीम खिलाने जाए गुलदारा, तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं अभी हम लोग खेड़े में, चाबी नहीं मिल रही, ये एक जाल भी हो सकता है डॉक्टर झटका को हार मारनी पड़ी, हमको आइसक्रीम खुआनी पड़ी, अच्छी ऊपर तार मारने पर खुशी में आइसक्रीम दो दो खेड़े वाली आइसक्रीम दो दो एक साथ हमारी पार नहीं पड़े, चीकू देख में आयो कि हमारे खेत में नया रोक रहे हो नहीं रोक रहे, देख मम्मी दिखाई तो उल्टा भग रहा है, क्यों देख लेगी फालतू मोर देख गाले की नार के संग संग गुंसार में घूम रहा, अरे भाई वाह का काट लिया री, तो एक सारे करण से खांसे आ गए मोल लावे लाग तो लग नहीं रही, मोल लिया तो टोड़े टाड़े और पत्ता है जाक मतलब कहीं से आए कन्फर्म है, नहीं करा तो पता है मार्केट का भाव चल रहे कम से कम 100 रुपये किलो है कौन सा लिए मतलब नींबू जाने ये जब 50 रुपये किलो ले लिए मतलब तो देखने करे कब, हाँ तो 50 के सही लिए फिर तो चलो बढ़िया, तो मिर्ची लाऊं या अगली मिर्ची रखी तो सही कर लें सारी मिर्ची रखी कर लें सारी हाँ। भगवान तो रवीना भाई ने छोरी पटक दी भैया ऊपर से ओटा वैसे मार बड़ोले है, अरे भगवान बेचारी मार दी तेरा मन कर रहा है वैसे वो कैसे रुआ दी तेन, अरे 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 मरगी 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 मरगी, अरे क्या हो गया क्या हो, हाँ गिर गई तू, कोई बात नहीं कोई बात, अरे 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 मुँह पे आ रही है क्या आ गई यार बेटा, अरे अरे हाँ क्या हुआ क्या हो गिर गई तू, फिर से याद आएगा नहीं नहीं उधर उधर करो ये याक देगी कौन देगी आ जा आ जा
तो बज चुके हैं शाम को 6:07 और मेरा ये मनोरम दृश्य सब तो खेरा निरंदर हो गया था, आपको दिख नहीं पाएगा सही से, लेकिन ये मान लो करीब आधे घंटे से बैठा था, लेकिन किसी का फ़ोन आ गया था, फ़ोन कटा ही नहीं उसने। बाकी कुछ सॉलिड सी बात करनी थी मेरे को, इसलिए आया मैं यहाँ पे। बाकी घर करते हैं जल्दी आपसे सारे क्वेश्चन आंसर, आपके जितने भी सारे क्वेश्चन थे काफ़ी दिनों के इस वीडियो में देंगे आप। हाँ जी, रोटी खा ली रज खाई? खाली, तो कैसे ऐसे कैसे है रही है ये बावरी अंधेरे से बैठे कर खा जाए बताओ। हाँ भाई साहब, पचमरी लिया आप? हम दही तो मिला लेते हैं, हमें कहाँ मिला ली, सूखी खाना खा रही थे। अच्छा पहले दही खा लिए फिर पचमरी खा रही है, ये तगड़ी है भाई साहब। हाँ तो अंकिता भाई जी क्या बना लो, रोटी बना लो, सब्जी का बना लो, करौंजा बना लो, खा धरो। तो भैया आज चीज़ हमने कुछ खतरनाक वाली बनाई है, ये है करौंजा की सब्जी, प्रॉपर करौंजा, करौंजा मिक्स, मतलब इसको चीनी भी नहीं मिला के, पता नहीं कैसे कैसे क्या किया, भगवान जाने राम जाने, खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन इससे खुशबू एकदम कैरी वाली आ रही है, शायद यहाँ में वो डाली का करे वो का गया से का डाले उस का डाले जाने का भेगो डाले हुआ है, देखो का डाले सौंप ऑप का डाले सही रहे यार जाने कहा उगड़ भगवान जाना नाम भूलो बात क्या वो दीख में नहीं करे दीस नहीं रही दीख रही पहली बात तो दीस रही का खेया से का खेवा से देखो ए यार नहीं दिख रही हमें मुंह रहा कोई कुन दिख रही शुरुआत की जो स्टोरी आपने देखी उसको देख के ज्यादा दुखी नहीं होनेगा, जीवन देखो चलती रहती सारी चीजें, बस ये कि यार आप लोग फैमिली हो तो मुझे लगा कोई और क्यों बताए, आप सबके साथ ये चीज शेयर करी जाए, और आज मैंने फाइनली आपके साथ शेयर करी। राम राम जी, जय जोहार।